सो फ्रेंड्स फाइनली मेरा सेटअप कंप्लीट हुआ। अभी इसके बारे में मैं एक वीडियो देने वाला हूँ, तो मैं फास्ट से सारा कुछ दिखाता हूँ। मेरा बैक कैमरा ऑन करने के बाद तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, देखते सारा कुछ मेरा सेटअप कैसा है और मेरा रूम वो भी कैसा हुआ, अच्छी तरह से मैं सारा कुछ दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरा बैक कैमरा ऑन करने के बाद सारा कुछ अच्छी तरह से आपको दिखाता हूँ, तो चलो देखते। फ्रेंड्स अभी देख सकते हो ये मेरा ये डोर है, इस डोर से मुझे इंटर करना होता है यहाँ पर, और उसके बाद ये एक मिरर है जहाँ पर मुझे देखना पड़ता है। अब मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, अच्छी तरह से आप देख सकते हो। तो उसके बाद ये टीवी है, नोकिया टीवी, कुछ दिन पहले मैं परचेस किया था इस टीवी को, यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर वाइड एंगल को कर देता हूँ, अच्छी तरह से आपको दिखा देगा सब कुछ। हाँ फ्रेंड्स अभी वाइड एंगल में कर दिया, अभी अच्छी तरह से देख सकते हो। यहाँ पर देखो ब्रॉडबैंड का एक केबल है जो इस टीवी के साथ कनेक्टेड है, ये टोटल स्मार्ट टीवी है। इस टीवी को अनबॉक्सिंग में सारा कुछ किया था, इस टीवी लगा हुआ है। उसके बाद एक चेयर है, यहाँ पर मैं बैठता हूँ, और यहाँ पर इस टेबल है, टेबल में मेरा कुछ रखा हुआ है, मेरा आईफोन भी रखा हुआ है यहाँ पर, और इस तरफ मेरा बेड है, यहाँ पर मैं सोता हूँ। और देखो यहाँ पर सीलिंग फैन है ऊपर में, और यहाँ पर एक एसी अभी चल रहा है 25 में, इस एसी का अनबॉक्सिंग, इसका वोल्टास का एसी है। तो सारा कुछ मैंने दिखाया था, वो अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आज मेरा वीडियो में जाके सर्च करके वो वीडियो देख सकते हो, इस एसी का अनबॉक्सिंग रिव्यू सारा कुछ किया था। ये वोल्टास का 3-स्टार इन्वर्टर एसी है। तो ये यहाँ पर एक विंडो है, और यहाँ पर दो रॉड लगा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, रॉड लाइट लगा हुआ है मिडिल में एक था, वहाँ पर मैं उस रूम पे मैं ट्रांसफ़र किया। ये मेरा बेडरूम है, अभी यहाँ पर मैं सोता हूँ, तो ठीक है। उसके बाद देखो धीरे धीरे करके ये जो और एक रूम है, इस रूम मेरा सेटअप स्टूडियो सेटअप मैंने कर दिया। वहाँ पर देखो अच्छी तरह से घर का कलर में सारा कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर देखो मेरा DSLR लगा हुआ है, इस DSLR से मैं शूट करता हूँ। और यहाँ पर एक वायर माइक है बोआ MM1, तो इसका क्वालिटी उतना खास नहीं होता है। तो उसके बाद एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्विच है, और एक रिंग लाइट है, आप अच्छे से देख सकते हो 18mm रिंग लाइट, और मैं अच्छे से 18mm रिंग लाइट को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इसको भी अनबॉक्सिंग में सारा कुछ किया था। उसके बाद मेरा रूम पे अच्छे से मैं दिखाता हूँ कैसा है। देखो यहाँ पर मेरा सेटअप कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पर एक एक बोर्ड लगा हुआ है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक का बोर्ड लगा हुआ है, और ये टेबल है, इस टेबल में मैं सारा कुछ मेरा कंप्यूटर को रखता हूँ, एडिट करता हूँ, और ये मेरा चेयर है, तो आप अच्छे से देख सकते हो, इस चेयर पे बैठ के मैं सारा कुछ एडिट करता हूँ। मेरा दो लैपटॉप है, एक है अबिता, इसमें मैं वीडियो का थंबनेल क्रिएट करता हूँ, और एक है मेरा एसर का पीटर 300, ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, इस लैपटॉप में मैं वीडियो एडिट करता हूँ, मेरा सारा वीडियो एडिट करता हूँ, और एसर का पीटर में मैं थंबनेल क्रिएट करता हूँ। तो देखो मेरा, और यहाँ पर पीछे ग्रीन स्क्रीन अभी तक लगा नहीं, मैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन मुझे लगाना होगा इस टाइप, और उस तरफ मुझे ग्रीन स्क्रीन अभी तक देखो यहाँ पर बैग में पड़ा हुआ है, मुझे लगाना है इसको यूज़ करना है। तो नया रूम मैंने ले लिया, यहाँ पर मेरा DSLR का बैग है, इस बैग में कुछ लेंस वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, ये मेरा जिम मशीन है, मैं सुबह उठ के यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ, और वहाँ पर डंबल है, यहाँ पर देखो दो डंबल है, ये 10 kg, ये 10 kg, 20 kg टोटल। और यहाँ पर जिम का मैं ड्रिल्स लगा हुआ है, यहाँ पर मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। और देखो और क्या कुछ है, मैं दिखाते कोशिश करता हूँ कर सकता हूँ, और यस मैं एक दिखाता हूँ क्या कुछ है। देखो इसके सामने ए वाला पार्ट जो था ना, ये मेरा शटर था पार पीछे, तो मैं यहाँ पर बोर्ड प्लाई बोर्ड देके यहाँ पर कलर कर दिया। ये देखो ये बोर्ड है, ये यहाँ पर टोटल ईट का नहीं है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड को मैं यहाँ पर कलर कर दिया, उसके बाद यहाँ पर सेटअप कर दिया। यहाँ पर से मैं दिखाता हूँ, और उस तरफ मैं मेरा कैमरा को रखता हूँ, और DSLR आप देख सकते हो यहाँ पर, DSLR बहुत दूर रखना पड़ता है क्योंकि मेरे पास 50mm का प्राइम लेंस है, इसलिए बहुत दूर रखना पड़ता है। और एक इलेक्ट्रिक रॉड यहाँ पर देखो, ऐसे करके मैं जहाँ पर यहाँ पर इसका नेजल होता है उस
उस तरफ ले जाके इसको रख देता हूँ ऐसे करके, ठीक यहाँ पर देखो रख देता हूँ ऐसे करके, तो अच्छा होता है मेरा वीडियो अच्छा अच्छा से शुरू होता है। मैं सारा कुछ दिखाता हूँ क्या कुछ है उस तरफ। मुझे यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन को सेट करना होगा, यहाँ पर बैग में है अभी। तो मैं अभी तक मेरा कल मेरा रूम कंप्लीट हुआ, यहाँ पर कलर सारा कुछ कर दिया था। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कैसा है। ये तो मैंने बोला बोर्ड लगा है, यहाँ पर शटर था मेरा, जिम मटेरियल्स यहाँ पर ही रखा है सारा कुछ। और मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ और बहुत सारा पोर्ट लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर टेबल पर मेरा और एक वायर है, ये बोआ का M1 और बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखो देख सकते हो यहाँ पर बोआ का M1 है, बहुत बड़ा है। तो मैं कभी कभी DSLR पे भी यूज़ करता हूँ, मोबाइल पे भी यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर देखो ऊपर में मैं दिखाता हूँ, ऊपर में एक ही लाइट लगा हुआ है सिर्फ। और यहाँ पर देखो चार ही साइड से चार लाइट मुझे यूज़ करना होगा। एक फ़ैन है अभी तो उस रूम से एसी का वेदर आ रहा है। देखो यहाँ पर एसी का ठंड आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो एसी अभी चल रहा है तो एसी का कूलिंग आ रहा है। तो यही है, इस रूम पे कोई वेंटिलेटर मैंने नहीं रखा क्योंकि एसी चल रहा है वहाँ पर, और फैन भी है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यही है मेरा सेटअप, इस सेटअप में बैठ के मैं मेरा सारा वीडियो अभी शूट करने वाला हूँ। और यहाँ पर मेरा DSLR लगा हुआ है, सारा रिंग लाइट भी है, और उस तरफ भी मैं यहाँ पर भी ले जा सकता हूँ जो इलेक्ट्रिक रॉड है, यहाँ पर रॉड लाइट है, इस तरफ मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी वीडियो शूट करने के लिए। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, दोनों लैपटॉप से बैठ के मैं वीडियो करता हूँ। यहाँ पर मेरा वाईफाई मेरा पास में मेरा शॉप है तो शॉप से वाईफाई कनेक्शन अच्छे से आ जाता है। मुझे अगर दिक्कत होता है तो बाद में मुझे उस तरफ से वाईफाई वायर को ले आना होगा यहाँ पर। तो अभी कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है सारा कुछ। तो इसीलिए मैं सारा कुछ दिखा, ये मेरा बेडरूम है और ये मेरा सेटअप है पास में। तो यही है सारा कुछ, ये सारा कुछ मैंने सेटअप किया YouTube के लिए, YouTube स्टूडियो है मेरा ये। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर मेरा स्टूडियो के बारे में सारा कुछ दिखाया। और भी मेरे जो लाइट यहाँ पर देखो, बहुत सारा लाइट लगाना है क्योंकि अभी उतना ज़्यादा यहाँ पर पावर नहीं, उतना ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसलिए मुझे बहुत सारा लाइट लगाना है। अभी ये रूम से 2 दिन हुआ ये रूम सेटअप हुआ, तो अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है इस रूम पे। एक्चुअली मैं यहाँ पर टेक चैनल चलता हूँ और आज मैं यहाँ पर मेरा सेटअप के बारे में दिखाया। बहुत सारे फ्रेंड मुझे बोलता है कि आपका सेटअप के बारे में एक वीडियो क्रिएट करो, तो चलो आज मैं यहाँ पर सेटअप के बारे में एक वीडियो क्रिएट किया, सारा कुछ बोलने का कोशिश किया, क्या कुछ है मेरे पास और सारा कुछ दिखाने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल काइंडली न्यूज़ को आपका सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते बहुत जल्द नया वाला वीडियो। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।